नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। ऐसे दोस्तों, अगर आपके पास है मोटो एज 55G मोबाइल और दोस्तों आप उसमें चाहते हो किसी भी ऐप को हाइड करना होम स्क्रीन से, तो दोस्तों आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में जाना। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च बॉक्स में लिखना है माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर, जिससे लेकर सर्च करोगे ये वाला एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसके बाद ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे परमिशन देना है, अलाउ कर देना है, और दोस्तों यहाँ पे आपको गो टू सेटिंग पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको जो माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको परमिशन देना है यहाँ से, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको स्किप करना है, स्किप करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको डू नॉट शो अगेन पे टिक करके और सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से माइक्रोसॉफ्ट पे टिक करना है। टिक करने के बाद दोस्तों आपकी सारी सेटिंग हो जाएगी। अब दोस्तों आपको करने का ऐप डोर को इस तरह से ऊपर को खिसकाना है। खिसकाने के बाद आपको ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, हिडन ऐप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको हाइड ऐप पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जिस एप्लीकेशन को आपको हाइड करना है उस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, ऊपर डन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको करने का ऊपर डन के ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली ये एप्लीकेशन हाइड हो जाएंगी। अब दोस्तों आपने जो एप्लीकेशन हाइड किया है वो आपकी होम स्क्रीन पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों ये बात एप्लीकेशन को हाइड करने की। अब दोस्तों हाइड एप्लीकेशन आपको देखना चलाना है, तो आपको करना क्या है, फिर से आपको ऐप डोर को ऊपर खिसकाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे हाइड ऐप पे क्लिक कर देना है। आपने जो हाइड किया था वो यहाँ पे मिलेगा, उसके सामने अगर आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हो। अगर अनहाइड करना है तो उसके सामने अनहाइड पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपकी सारी एप्लीकेशन जो है अनहाइड हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से आप मोटो एज 55G मोबाइल में किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो। दोस्तों मेरे साथ कुछ सही जानकारी हम लोग, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।